हेलो एवरीवन, सारे भाइयों ने राम राम, बड़े बुड्ढे ने राम राम और बिहार में कहते हैं प्रणाम। तो एक नई सुबह नई सोच। तो दोस्तों, आप सबके साथ मैं धीरज यादव, एक द रियल टाइम फिल्म हाउस। तो दोस्तों, अभी जैसे हम लोग जैसे पुराने समय में फिल्मों का इंतज़ार करते थे लॉकडाउन से पहले कि अब कौन सी फिल्म आने वाली है, डेट कौन सी है, तो अब जो है वहाँ के स्टार्स को, बॉलीवुड की ही स्टार्स को, दीपिका पादुकोण को इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोर्ट में तारीख कब है। तो दोस्तों, ये तो रही बॉलीवुड की बात, ये हंसी मजाक की बात हुई। अब एक मतलब ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्षेत्र के बारे में कुछ साझा करना चाहता हूँ। तो एक यहाँ के लोकल हैं, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो क्या हाल है सर? एकदम बढ़िया है सर। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार आर्य। आनंद कुमार आर्य, तो मतलब आप यहाँ के निजी लोकल रहने वाले हैं? जी सर। कब से रहते हैं आप यहाँ पे? बचपन से ही रहा हूँ। बचपन से पैदाई यहाँ का। तो पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से की? पढ़ाई लिखाई तो मैं बाहर से किया हूँ। पहले मधेपुरा में ये था कि डेवलपमेंट कुछ नहीं था जी, पर ओनली फॉर एक नॉर्मल था कि डिस्ट्रिक्ट था, छोटा था डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ कुछ ऐसा हो शिक्षा का व्यवस्था नहीं था, हम लोग बाहर जाके स्टडी किए। तो मतलब आप बाहर के, मतलब आप कहाँ कहाँ रहे हैं? पटना रहा हूँ। पटना में रहे हैं और वो क्या कहते हैं, कोटा में रहा। कोटा, हमारे बिहार के स्टूडेंट कोटा नॉर्मली है, राजस्थान कोटा, दिल्ली जयपुर बेंगलोर यहाँ प्लान करते रहते हैं। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे ये बिल्डिंग देख रहा हूँ मैं, तो मतलब यहाँ पहले आप क्या देखते थे? बिल्डिंग से पहले यहाँ क्या था? बिल्डिंग से पहले बिल्कुल बंजर था, ना कोई उपजाऊ ज़मीन था, यहाँ एकदम नदी तालाब ये सब था, वगैरह वगैरह जानवर सब का था। जानवर तो बिल्कुल खंडहर बना हुआ था, ये जगह का कोई वैल्यू नहीं। मतलब यहाँ तो ये मेरे ख्याल से पहले खेती होती थी? खेती भी नहीं होती थी, बस ऐसे बंजर बना हुआ था। बंजर बना हुआ था, मतलब ये जमीन कैसी थी? बालू, रेतीला जमीन है। रेतीली जमीन थी। तो दोस्तों, रेतीली जमीन थी। तो जैसे अब ये आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये मतलब ये हॉस्पिटल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट बन चुका है मेडिकल का। तो मतलब इसके बगल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी वीडियो मैंने डाली हुई है पीछे, और उसके बगल में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की वीडियो मैं कल डाल दूंगा, तो आप सब उसको देखना और मतलब आप मुझे साझा करना कमेंट के साथ कि ये जो इन दोनों बिल्डिंग के बगल में वो बिल्डिंग कैसी लगती है और उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं। तो इनसे पूछते हैं, जैसे मतलब अब आप ये कॉलेज देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, उसके बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं, उसके बगल में यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में मतलब आप कुछ अपडेट चाहते हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी में तो अपडेट चाहता हूँ, बट यहाँ है कि कॉलेज ओनली फॉर कॉलेज सब में फोकस किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में कोई फोकस नहीं, वही पुराना बिल्डिंग, वही पुराना चीज, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। जिस टाइप से यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह से वहाँ का भी चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो और पार्क वार्क बने, मतलब स्टूडेंट के लिए भी, स्टूडेंट का रहने के लिए भी, हर क्षेत्र में हम लोग का मतलब ये एरिया एकदम मजबूत हो, स्ट्रांग हो। तो दोस्तों, ये तो ठीक है, बट एक चीज़ मैंने और सुनी है, यहाँ पे मतलब कुछ सुविधा और होने वाली है, जैसे एयरपोर्ट, पुलिस लाइन, स्टेडियम वगैरह। मतलब ये आप कब तक आपको लगता है कि यहाँ पे आ जाएगा? मिनिमम 10 साल प्लस ही लगेगा, अभी तो नहीं आने वाली है। तो 10 साल से पहले कुछ डेवलपमेंट, एक मतलब जो चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। जी जी। अच्छा, ये मेडिकल कॉलेज बनने से यहाँ के अगल बगल जिले में या अगल बगल मतलब जैसे यहाँ से नेपाल पास बढ़ता है, तो आपको लगता है कि नेपाल के आदमी यहाँ पे आएंगे इलाज कराने के लिए? हाँ, ज़रूर आएंगे, और ये एशिया का सेकंड लेवल पे कॉलेज है हमारे मधेपुरा का, ये मेडिकल कॉलेज। तो आपको लगता है कि जैसे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से लेवल पे जाने वाला है? मधेपुरा का जो डिस्ट्रिक्ट अभी फिलहाल पटना उठना जितना भी है, PMCH है, जो भी है, IGMS है, उस सबसे बेटर पोजिशन पे ये कॉलेज जाने वाला है। उसमें भी बिहार हमारे जो है नंबर वन में आएगा, बिहार का वो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है। तो दोस्तों, आप तो दोस्तों जैसे हम सब की बात हुई यहाँ के लोकल से, यहाँ मतलब एक निजी तौर पे ग्रामीण है, तो बात होने के बाद मतलब ये पता चलता है कि यहाँ से आज साल तकरीबन 10 साल पहले या 5 साल पहले कुछ नहीं था, और मतलब एक डेवलपमेंट, एक अचीवमेंट यहाँ के लोगों के हाथ लगी है। तो
बने, मतलब बनने से क्या मतलब, एक तो मैं खुद यहाँ पे मैं अनुभव करता हूँ कि यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, एनवायरनमेंट थोड़ा प्लस पॉइंट पॉजिटिव फील होता है। तो आने वाले फ्यूचर में देखिए क्या क्या होता है, क्या डेवलपमेंट आती है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।